भोलेनाथ की आराधना का सबसे पावन मास सावन चल रहा है। सावन मास के चलते भगवान शिव के मंदिरों और शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे भी तेजी से गूंज रहे हैं। भोलेनाथ का अति प्रिय महीना होने के कारण शिव भक्त भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के जतन कर रहे हैं। शिव मंदिरों में कई भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र धारा से उनका अभिषेक कर रहे हैं, तो कई भोलेनाथ को खास और भस्म श्रृंगार कर अन्य कई तरीके से उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी भोलेनाथ को वाकई में अपनी भक्ति से सावन मास में प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ खास वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें आप सावन मास में भोलेनाथ पर अर्पण कर सकते हैं। इन खास वस्तुओं को चढ़ाने से भोलेनाथ न केवल सावन मास में आपसे प्रसन्न होंगे, बल्कि आपके जीवन के सभी रोग दोष भी समाप्त कर देंगे। भोले बाबा की सेवा पूजा, दूध से, कच्चे दूध से भोले बाबा को स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घी से, बूरे से, शहद से, है ना। ये पंचामृत होता है, पांच तत्व होते हैं, तो इनको भोले बाबा पर चढ़ावे। और फिर शत्रुनाश के लिए सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करवावे। और अगर जीवन में खूब सारा धन पैसा चाहते हो तो शुद्ध मधु बनी, है ना, शहद से भोले बाबा का अभिषेक कराएं। पुत्र पौत्र आदि अधिकतर संतान चाहिए तो दूध से देवादिदेव महादेव की सेवा करें, है ना। तो इस प्रकार ये पांच चीजें, इन पांचों चीजों का तो अपना अपना कार्य है ही है, पर औषधि भी बहुत सारी हैं। उन औषधियों से भी स्नान कराया, कुसोदक कैसा भी असाध्य रोग हो और कुसा के जल से देवादिदेव को अगर स्नान कराया जाए तो वो औषधि के रूप में काम करता है।